नमस्कार मित्रों, मैं राम नरेश सिंह एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ राम नरेश सर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, जीवन में आगे लगातार बढ़ते रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम लोग सामान्य ज्ञान पर चर्चा करेंगे। देश के यानी अपने भारत देश के सभी प्रधानमंत्रियों का क्रम जानेंगे बहुत ही कम समय में। और देखिए, इसे जानने से ज़रूरी ये रहता है कि इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और ये सभी को आना चाहिए। छोटी क्लास के विद्यार्थी हों, आप प्रतियोगी छात्र हैं, एक आम नागरिक हो, अपने देश के प्रधानमंत्रियों के बारे में तो जानना ही चाहिए, प्रथम कौन हुए, अंत में कौन है। और देखिए, कभी कभी बड़ी हाई प्रोफाइल हस्तियों से पत्रकार बंधु यानी लोग पूछ लेते हैं कि राष्ट्रगीत सुनाइए, राष्ट्रगान सुनाइए। तो आपने देखा होगा, सुना होगा कि लोग बीच बीच में अटक जाते हैं, तो कितनी मुश्किल होती है, है ना। है बहुत सामान्य सी बात, लेकिन अगर ये आपको क्लियर रहता है तो इसका एक कॉन्फिडेंस अलग ही बनता है। तो हम लोग एक सूत्र में, एक लाइन में सभी प्रधानमंत्रियों का क्रम बहुत कम समय में जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए, सूत्र है, जलई मोचई राविच नौगढ़ गए अमन करने। प्रधानमंत्री देश का होता है, तो देश के अमन चयन के लिए, देश के विकास के लिए, लोगों के कल्याण के लिए ही उसका मेन उद्देश्य होता है और उसी पे कार्य करते हैं। तो चूंकि देश के प्रधानमंत्रियों के क्रम के बारे में है, तो हम लोग तीन मित्र हैं, जलई मोचई राविच, और ये नौगढ़ जाते हैं अमन करने। नौगढ़ मीन्स अपने देश से ले लीजिए, उसके अमन के लिए सारे प्रधानमंत्रियों ने अपने देश के अमन के लिए ही काम किया है। तो सूत्र है, जलई मोचई राविच नौगढ़ गए अमन करने। तो देखिए, इसी में आपके सारे प्रधानमंत्रियों का नाम कैसे है। नंबर एक, पंडित जवाहरलाल नेहरू। '47 से '64 ईस्वी, इनके निधन के बाद गुलजारी लाल नंदा जी कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं बहुत कम दिन के लिए, और ये दो बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री का पद संभालते हैं, एक लाल बहादुर शास्त्री जी के निधन के बाद और जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद। तो ये गुलजारी लाल नंदा आप याद रखिएगा, कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हैं। दूसरे, लाल बहादुर शास्त्री, इनका समय आप जब सीरियल से मालूम हो जाएगा तो सन आपको ऑटोमेटिक उसी तरह बढ़ता चला जाएगा, 1964 से 66। तीसरे में थी इंदिरा गांधी, 1966 से 1977। जलई मोचई मोरार जी देसाई, 1977 से 1979। उसके बाद मोचई पांच, चौधरी चरण सिंह 1979 से 1980। तो देखिए, जलई मोचई, उसके बाद पुनः इंदिरा गांधी सत्ता संभाली थी 1980 से 84। फिर राविच, सभी को मालूम होगा 31 अक्टूबर 1984 को श्रीमती गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी फिर प्रधानमंत्री बने थे। '84 से '89 राविच,
उसके बाद अगले क्रम में वी विश्वनाथ प्रताप सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 से नब्बे, चंद्रशेखर राविच, चंद्रशेखर 1990 से 91। देखिए जलई मुचई राविच, अब नौ पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव ये 1991 से 1996। सन आपको क्लियर हो जाएगा, जब आप एकदम क्रम से क्लियर हो जाएगा तो ये आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे वह आया, यहाँ वाजपेयी जी आ गए थे कुछ दिन के लिए, अटल बिहारी वाजपेयी, उन्नीस सौ छियानवे से 96 में, अब गढ़ एच डी देवगौड़ा, एच डी देवगौड़ा अटल बिहारी वाजपेयी, एच डी देवगौड़ा 1996 से 1997, इस बीच पे इनका समय था। नौगढ़ गए, इंद्र कुमार गुजराल, गए से गुजराल ये आप समझिएगा, गुजराल ये थे 1997 से 1998। अब उसके बाद नौगढ़ गए अमन करने, देखिए अब यहाँ पे इस क्रम में अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ भी आ चुके हैं, ये ठीक है, यहाँ पे दोबारा अटल बिहारी वाजपेयी, और इस समय इनका दो कार्यकाल रहता है, तो इनका जो समय है 1998 से 2004, 1998 से 2004 अटल बिहारी वाजपेयी। फिर क्रम में माँ डॉक्टर मनमोहन सिंह, दो हजार चार से 2014, चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी दो बार आ चुके हैं इसलिए ये क्रम 14 नंबर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को लेंगे। व्यक्तिगत संख्या के रूप में, व्यक्तिगत रूप से 15 में फिर नरेंद्र मोदी, दो हजार 14 से अब तक, है ना, जैसे आप जानते हैं कि 30 मई 2019 को 17वीं लोकसभा का परिणाम के बाद इन्होंने दोबारा प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। तो ये अमन करने दो दो बार यहाँ पे, देखिए
लगातार दो दो बार रहे हैं, तो इस सूत्र के माध्यम से आपको सभी प्रधानमंत्री पूरी तरह क्लियर हो जाएंगे। और देखिए ना, इसमें है भी क्या, जलई मोचई राविच नौगढ़ गए अमन करने, जैसे जवाहरलाल नेहरू, बीच में गुलजारी लाल नंदा जी कार्यवाहक में आते हैं, गुलजारी लाल नंदा ये 1964 में कार्यवाहक, इसको आप जानते रहिएगा। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, यहाँ पे पुनः गुलजारी लाल नंदा 1966 में कार्यवाहक के रूप में काम करते हैं। उसके बाद ई इंदिरा गांधी, मो मोरारजी देसाई, चा चौधरी चरण सिंह, ई पुनः इंदिरा गांधी, रा राजीव गांधी, वी विश्वनाथ प्रताप सिंह, चा चंद्रशेखर, ना पी वी नरसिम्हा राव, वा वाजपेयी यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी, गढ़ एच डी देवगौड़ा, गए गुजराल यानी इंद्र कुमार गुजराल, अमन करने अटल बिहारी वाजपेयी दो बार लगातार, माँ डॉक्टर मनमोहन सिंह दो बार लगातार, और उसके बाद नरेंद्र मोदी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री पद पे कार्यरत हैं। तो इस बार इस तरह से देखिए कि एक बार याद करने के बाद, एक बार समझने के बाद, और मेरे साथ बोलिए, जलई मोचई राविच नौगढ़ गए अमन करने, याद हो गया होगा। आप छोटे बच्चों को भी सिखाइए, सभी को बताइए कि देश, अपने देश के प्रधानमंत्रियों के बारे में तो जानना ही चाहिए। और ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलता हूँ जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।